आज आपके जयपुर के हेडक्वार्टर में हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से जो ओवरऑल फाइनेंसिंग या बैंकिंग सेक्टर में जो क्रंच चल रहा है, तो उससे आप जैसे नए बैंक को क्या फायदा हुआ या फिर क्रंच आपने भी उसको देखा है? ठीक है अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए आज हमारे हेड ऑफिस में। और मेरे हिसाब से जो पिछले दो महीने इसमें से जो आपने बात बोली है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल सर्विसेज में हुआ है, दैट मीन्स NBFC, HFC, MFI और लार्जली जो लोग शॉर्ट बोरो करते थे और लॉन्ग लैंड करते थे, लेकिन बैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि बैंक को फायदा हुआ है। मतलब जो शिफ्ट हो गए कस्टमर, बहुत सारी कॉर्पोरेट ट्रेजरीज ने पैसा AMC से उससे निकाला और बैंकों में पार्क किया। हम छोटे बैंक हैं लेकिन हमें इतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन 10% हमारा भी डिपॉजिट जो हमने टारगेट रखा था नवंबर एंड का, उससे ज़्यादा हमें मिला। और इस क्राइसिस के अंदर हमको लैंडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि बहुत सारी HFCs, NBFCs ने आगे लैंड नहीं किया, तो वो सारे कस्टमर बैंक की तरफ आए। आई थिंक मोर ऑर लेस वैसे ये सेक्टर के लिए खराब था लेकिन बैंकिंग के लिए एक अच्छा मौका था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वापिस जैसे चीज़ें सुधरेगी तो वापिस आप थोड़ा मोमेंटम पकड़ेंगे या और वक्त मिलेगा? लेकिन मुझे लगता है कि इस क्राइसिस से काफ़ी लोगों ने ये सोचा है कि बिजनेस मॉडल क्या है, तो NBFCs और HFCs को ये फिगर आउट करना है कि उनको शॉर्ट लैंड करना है, लॉन्ग टर्म लैंड करना है। यदि लॉन्ग टर्म लैंड करना है तो लॉन्ग टर्म मनी चाहिए। ये एक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ कि कोई चीज़ खत्म हो जाएगी, कोई चीज़ बढ़ जाएगी, लेकिन एक सोचने का विषय है उन कंपनियों को। तो मुझे लगता है बैंक्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि हमको ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है, हमारे ALM को ज़्यादा मैनेज किया जाता है RBI के द्वारा, यहाँ पे रिस्क कम होता है। हमको लगता है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एज वी मूव फॉरवर्ड, और उन सब सेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि उनकी ग्रोथ कैसे होगी।